हेलो चिल्ड्रन दिस इज न्यू लेसन लेसन नंबर सिक्स नोटपैड नोटपैड इज अ टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम इट इज यूज फॉर टाइपिंग एंड एडिटिंग बच्चों नोट पैड एक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है इसका यूज टाइपिंग करने और एडिटिंग करने में होता है ओपनिंग नोट पैड ओपनिंग द नोट पैड इज वेरी इजी इन द कंप्यूटर सिस्टम बच्चों कंप्यूटर सिस्टम में नोट पैड को खोलना बहुत ही इजी होता है लेट्स लर्न अबाउट इट आइए इसके बारे में सीखते हैं क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन द स्टार्ट मेन्यू विल ओपन अ लिस्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन अपेयर्स ऑन द लेफ्ट साइड सबसे पहले स्टार्ट बटन में क्लिक करेंगे जिससे स्टार्ट मेन्यू खुल जाएगा मेन्यू के लेफ्ट साइड में सारी एप्लीकेशन की लिस्ट खुल जाएगी क्लिक ऑन विंडोज एक्सेसरीज अब एप्लीकेशन के लिस्ट में से विंडोज एक्सेसरीज पर क्लिक करेंगे जिससे कुछ और एप्लीकेशन दिखाई देंगी। क्लिक ऑन नोट फिर आप नोटपैड पर क्लिक करेंगे द नोटपैड विंडो विल अपेयर ऑन द स्क्रीन नोटपैड विंडो स्क्रीन पर खुल जाएगा तो बच्चों ये प्रोसेस है नोटपैड ओपन करने का ओके पार्ट्स ऑफ नोट पैड विंडो अब नोटपैड विंडो के कौन कौन से पार्ट होते हैं नंबर वन टाइटल बार इट इज द टॉप मोस्ट बार ऑफ द विंडो इट डिस्प्लेज द टाइटल ऑफ द प्रोग्राम यह विंडो का सबसे ऊपर वाला बार होता है यह प्रोग्राम के टाइटल को शो करता है सेकेंड मेन्यू बार इट कंटेंट्स डिफरेंट मेन्यूज इट हेल्प टू वर्क एंड एडिट द डॉक्यूमेंट इसमें अलग अलग प्रकार के मेन्यूज होते हैं यह डॉक्यूमेंट में वर्क करने और एडिट करने में हेल्प करता है नंबर थर्ड कर्सर इट इज अ वर्टिकल ब्लिंकिंग लाइन ऑन द स्क्रीन यह स्क्रीन पर एक सीधी ब्लिंक करती हुई लाइन होती है नंबर फोर टेक्स्ट एरिया द एरिया वेयर यू कैन टाइप द टेक्स्ट एक ऐसा एरिया जहां आप टाइप कर सकते हो उसे टेक्स्ट एरिया कहते हैं एंटरिंग टेक्स्ट की बोर्ड इज यूज टू एंटर टेक्स्ट इन द नोटपैड बच्चो नोटपैड में टेक्स्ट एंटर करने के लिए कीबोर्ड का यूज होता है स्टार्ट टाइपिंग बाय प्रेसिंग द कीज ऑन द कीबोर्ड द टेक्स्ट यू टाइप विल अपेयर वेयर द कर्सर इज ब्लैंकिंग ऑन द नोटपैड स्क्रीन बच्चों कीबोर्ड पर कीज प्रेस करके आप टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं जो भी टेक्स्ट आप टाइप करेंगे वह नोटपैड की स्क्रीन पर जहां कर्सर ब्लिंक करता है वहीं टाइप होगा यू कैन प्रेस एंटर की टू कम टू द नेक्स्ट लाइन आप नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए एंटर की प्रेस कर सकते हैं सेविंग द डॉक्यूमेंट आफ्टर कंप्लीटिंग योर वर्क यू मस्ट सेव योर फाइल वंस यू सेव योर वर्क इन टू द कंप्यूटर इट विल नेवर बी लॉस्ट यू कैन ओपन इट अगेन एंड अगेन बच्चों अपना वर्क कंप्लीट करने के बाद आपको अपनी फाइल सेव करनी चाहिए एक बार जब आप अपना कंप्यूटर में वर्क सेव कर लेंगे तो यह कभी नहीं खोएगा आप इसको बार बार ओपन कर सकते हो नंबर वन क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू फाइल मेन्यू विल अपेयर सबसे पहले फाइल मेन्यू को क्लिक करेंगे जिससे फाइल मेन्यू खुल जाएगा नेक्स्ट क्लिक ऑन सेव एज द सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपेयर फाइल मेन्यू में आप सेव एज पर क्लिक करेंगे जिससे सेव एज डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा टाइप अ नेम फॉर द फाइल इन द फाइल नेम बॉक्स अब आप फाइल नेम बॉक्स में जो भी फाइल का नाम आपको रखना है वो आप टाइप करेंगे क्लिक ऑन सेव इट विल सेव योर डॉक्यूमेंट इन द कंप्यूटर न सी योर फाइल नेम ऑन द टाइटल बार अब आप सेव में क्लिक करेंगे इससे आपकी फाइल कंप्यूटर में सेव हो जाएगी आप अपनी फाइल का नाम टाइटल बार पर देख सकते हैं वर्किंग ऑन द टेक्सट द फॉन्ट साइज एंड द स्टाइल ऑफ टेक्सट कैन बी चेंज इन नोट पैड इट गिव्स एन अट्रेक्टिव लुक टू द डॉक्यूमेंट बच्चो टेक्स्ट के फ़ॉन्ट, साइज और स्टाइल को नोट में चेंज कर सकते हैं यह आपके डॉक्यूमेंट को एक अट्रैक्टिव लुक देता है नंबर वन सेलेक्ट द टेक्स्ट बाय होल्डिंग द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैगिंग द माउस ओवर द टेक्स्ट। लेफ्ट माउस बटन को दबाकर और ड्रैग ड्रैग मीन्स होता है बच्चों खिसकाना ओके okay, तो इनको इसको आपको ड्रैग करके टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है क्लिक ऑन द फॉर्मेट फ्रॉम द मेन्यू बार अब मेन्यू बार में जाकर फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे नंबर थर्ड क्लिक ऑन द फॉन्ट ऑप्शन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स विल अपेयर यू कैन चेंज द फॉन्ट फॉन्ट स्टाइल एंड साइज ऑफ योर टेक्स्ट यूजिंग दिस दिज ऑप्शन अब फॉन्ट ऑप्शन पर क्लिक करें फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा आप इन ऑप्शन का यूज करके टेक्स्ट के फॉन्ट फॉन्ट स्टाइल व साइज को चेंज कर सकते हैं नंबर फोर्थ क्लिक ऑन ओके बटन द फॉन्ट ऑफ द टेक्स विल चेंज अब आप ओके okay बटन में क्लिक करेंगे टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज हो जाएगा नंबर फाइव क्लिक ऑन सेव फ्रॉम द फाइल मेन्यू टू सेव द चेंजेस जो भी चेंजेस आपने किए हैं उसे सेव करने के लिए फाइल मेन्यू में जाकर सेव पर क्लिक करें क्लोजिंग नोट पैड नंबर वन क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू अ ड्रॉप डाउन मेन्यू विल अपेयर अब नोटपैड को किस तरीके से आपको क्लोज करना है नंबर वन फाइल मेन्यू में क्लिक करें एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा क्लिक ऑन एग्जिट फ्रॉम द ऑप्शन दैट अपेयर द नोटपैड विंडो विल क्लोज जो भी ऑप्शन दिखाई देंगे उसमें से आपको एग्जिट पर क्लिक करना है नोट पैड विंडो क्लोज हो जाएगा और क्लिक ऑन द क्लोज बटन प्रेजेंट ऑन द एक्सट्रीम एंड ऑफ द टाइटल बार बच्चों टाइटल बार के सबसे लास्ट में क्लोज बटन पर क्लिक करके भी आप नोटपैड विंडो को क्लोज कर सकते हैं ओके चिल्ड्रन दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू